हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की जो थी वो, यानी कि मेटल की रिएक्शन विद एयर एंड वाटर जो थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। अब हम करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो थी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो देखिए, यहाँ पे जब भी मेटल जो है किसी और मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वहाँ पे प्रोसीड होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल दे रखी है, Fe प्लस CuSO4 यानी कि आयरन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, और इट गिव्स कॉपर प्लस FeSO4, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने कॉपर को, और उससे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो याद रखिए, जब भी मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखी होगी। आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी होगी जिसमें आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया जाता है, तब क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको नोट करने होते हैं। तो वो सब इसी रिएक्शन के द्वारा होते हैं कि जब भी कॉपर सल्फेट एक मेटल सोल्यूशन है और आयरन नेल्स यानी कि खुद एक मेटल है आयरन, तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो अपना कॉपर लूज करके आयरन ले लेगा और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी कारण से आयरन नेल्स के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जम जाएगी, ठीक है जी, और सॉल्यूशन का कलर भी जो है वो फेड अप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा होता क्यों था? क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहां पे आपको दिखा रखा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था जिसमें अभी आयरन नेल डालेंगे तो उसका कलर जो है वो फर्दर चेंज हो जाएगा। आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन नेल शोज दैट कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल्स बाय डिस्प्लेसिंग आयरन। ठीक है जी, तो कॉपर जो है आयरन के ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर एक लेयर जम जाएगी कॉपर की, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और जो द ग्रीनिश कलर ऑफ सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब शोज दैट Fe2 पॉजिटिव आयन्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, मतलब जो ग्रीनिश कलर का जो नया सोल्यूशन फॉर्म होगा उसमें क्या है, Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंस है। दिस शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चलिए, ये जो रिएक्शन हुई थी अभी, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, और जिसमें जनरली मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल। अगर हम किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें तब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो लेट अस टुक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप सीधी सी बात देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा वो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl की एग्जाम्पल लीजिए आप। Na एक मेटल है यानी कि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन Cl नेगेटिव यानी कि वो एक नॉन मेटल है तो नेगेटिव होगा ना, और Na पॉजिटिव होगा। अब जब दोनों का कंपाउंड बनेगा तो बनेगा Na प्लस Cl नेगेटिव, NaCl, है ना। तो NaCl जो होगा एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जब भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तब दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। जनरली आप याद रखिए इन चीजों को। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स देखिए। आप जनरली देखिए मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसमें अगर आप लास्ट शेल में देखोगे तो आपको हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस देन 3 मिलेंगे, ठीक है जी। और जब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो मिलते हैं उनको वो मोर देन 5 होते हैं या 5 होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स लेना किसमें जरूरी है, दैट इज इन नॉन मेटल का केस। क्योंकि देखिए 5 को 6 को और 7 को एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन पाने के लिए। और मेटल्स को जनरली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं ताकि वो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन पा सकें, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ी सी ये जो है ये आप छोड़ दीजिएगा कॉलम, ये नहीं आप काउंट करेंगे, आप यहाँ तक कॉन्फिग्रेशन है आपकी। सोडियम की होती है 281, ये 1 नहीं है यहाँ पे। मैग्नीशियम की होती है 282, ठीक है।
और इसकी ये वैलेंसी होगी यहाँ पे, प्लस वन और प्लस टू यहाँ पे ये वैलेंसी होगी, एन नहीं आएगा, शेल नहीं आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में देखें तो फाइव आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ तक देखोगे, ये नहीं देखो, ये इसकी वैलेंसी है। तो जनरली क्या है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है, इसको दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा स्टेबल कॉन्फिग्रेशन पाने के लिए। तो इसीलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव लूज करना, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरली जैसे NaCl के अंदर जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पे NaCl का मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट वही डायग्रामिकली आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Na क्यों देगा, क्योंकि इसके पास 281 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस पड़ा है, और Cl नेगेटिव, Cl जो है अपना एक कॉन्फिग्रेशन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से, Na से लेगा। ये देखिए यहाँ पे Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, ठीक है। तो Na अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली स्पीशीज को कटायन बोला जाता है और गेन करने वाले को एनायन बोला जाता है। अब दोनों को मिला के अगर हम देखें तो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा NaCl यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ वही बता रखी है जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। अब आयनिक कंपाउंड्स यानी कि इनको और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। आयनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बनते हैं, कैटायन एंड एनायन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनमें जनरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। अब ये तो हो गया एक तरह के कंपाउंड्स जो आयनिक कंपाउंड्स थे, है ना। अब हम दूसरी तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ऐसे भी कई कंपाउंड्स होते हैं जनरली जो फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ना वो लूज करते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये आपको जरूरी याद रखना है। आयनिक कंपाउंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तब हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उन्हें आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ट्रांसफर और शेयरिंग क्यों की जाती है, बेसिकली ताकि दोनों जो आयन्स हैं उसके अंदर में, मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर दोनों आयन्स हैं वो स्टेबल हो सके, ऐसे ही कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो भी जो उसके स्पीशीज होंगे वो भी स्टेबल होने के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो स्पीशीज होती हैं, जैसे हम O2 का केस ले लें, O2 के अंदर जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के पास 6-6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे ताकि वो स्टेबल हो सके। अब प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इस पर क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। मतलब आयनिक कंपाउंड जो है जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये आपको याद रखनी है, कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, दे जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक्स अप इनटू अ पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब ये इतने भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इनकी अगर मैं हल्का सा हैमर मारूंगा जोर से, ठीक है, तो ये पाउडर्ड फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा इनका, ठीक है। थर्ड जो है, एनी कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज इनको जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। फोर्थ पॉइंट है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन पेट्रोल। जनरली मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर मतलब जिन पे चार्जेस होते हैं, जो आयनिक होते हैं, वो हमेशा पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, यानी उसके साथ सॉल्युबल होंगे। जैसे वाटर, वाटर जो है H2O, इसमें H प्लस और OH नेगेटिव होता है वाटर के अंदर, तो ये भी पोलर है और NaCl भी पोलर है, तो यानी कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है।
अब ये किस में सॉल्यूबल नहीं होगा, ये जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स में सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आई होप आपको समझ लग गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एनी कंपाउंड्स इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं इसको मेल्ट कर लूँ, आयनिक कंपाउंड्स को अगर मैं मेल्ट कर लूँ, तब ये कंडक्शन करेंगे, तब ये ज़्यादा कंडक्शन करेंगे क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। जनरली जब कंपाउंड बन जाता है ना तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाता है। जैसे इसको डिसोसिएट यानी कि तोड़ा जाएगा तो Na+ और Cl- नेगेटिव मिलेगा हमें, है ना। मैं NaCl की एग्जांपल ईजी है इसलिए आपको लेकर चल रहा हूँ, आपको मैंने पीछे भी वो करा दिया इसीलिए बार बार। आप कोई भी आयनिक कंपाउंड देखोगे जनरली सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो याद रखिए कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट यानी कि पिघले हुए यानी कि लिक्विड स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे कि मेटल्स को कहाँ से हमें जो मेटल्स हैं वो प्राप्त होते हैं और उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर, फॉर एग्जांपल सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आर जनरली फाउंड इन फ्री और नेटिव स्टेट्स। मतलब गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं एज इट इज़, ठीक है जी, क्योंकि ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, ना हवा से ना पानी से, ठीक है। तो ये फ्री एज इट इज़ किसी के साथ में कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते हैं, फ्री मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो इनकी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, सिंपल माइनिंग से मिल जाते हैं हमें। द मोस्ट मेटल्स हाउएवर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, इनके अलावा जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है इनके साथ इंप्यूरिटी लगी होगी, ठीक है। वो इम्प्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकती है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकती है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकती है। तो इन सभी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, रिफाइन करना मेटल को, ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स आपको सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों को मेटल मिलने के चांसेस होते हैं, और मेटल्स किस तरह के, जिनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड ऑन होंगी यहाँ पे, ठीक है। खाली मेटल्स ही नहीं मिलेंगे, उनके साथ इम्प्योरिटीज़ भी लगी होंगी, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं वो मेटल्स हमें। अब सेकंड है ओर्स। ओर क्या होती है, ओर मिनरल का पार्ट है। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। मतलब जहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस मिनरल का वो एरिया जहाँ पे हमें मेटल मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और वहाँ से हम मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओर। नेक्स्ट है गैंग। गैंग्यू भी बोलते हैं, गैंग भी बोलते हैं कई इसको। गैंग जो है दैट इज़ इम्प्यूरिटी, मेन जो इम्प्यूरिटी होती है मेटल के साथ में लगी हुई जुड़ी हुई कंबाइंड स्टेट में जो मिल जाती है उसे हम गैंग बोलते हैं, ठीक है। द ओर कंटेन्स मेटल कंपाउंड्स विद सम इम्प्यूरिटीज लाइक सॉइल सैंड रॉक मटीरियल एक्सेट्रा, इन सभी को हम बोलते हैं, इन सभी इम्प्यूरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करके मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल जो है हमें मिल जाएगा, उसे हम मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स बाय इम्प्लॉइंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म्स आर कॉल्ड ओर्स, इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटल को हम जब भी ओर से किस तरह से भी अलग अलग प्रोसेसेस करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा जब हमें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब देखिए मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है, ऊपर से नीचे की ओर आपको रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी, और सबसे नीचे वाले जो मेटल्स होंगे वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, मतलब वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको ये सीरीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। अब जो एक्सट्रैक्शन है या मेटलर्जी है वो तीन प्रोसेसेस में होती है, हमारे पास तीन कैटेगरीज में बांटी गई है। सबसे पहले कैटेगरी है उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारे जो है हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। फिर उसके बाद नीचे एल्युमिनियम लेड आयरन जिंक एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं ये हमारे पास हो गए मॉडरेट या मीडियम वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले। और सबसे नीचे जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर
सिल्वर गोल्ड ये सारे जो हैं लीस्ट रिएक्टिव है, तो इनकी अलग से एक्सट्रैक्शन की जाती है। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। इन तीनों कैटेगरीज की हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऐसे मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये प्रोसेस है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा इनको रिड्यूस करते हैं हम लोग और प्योर मेटल हमें मिलता है बाद में। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स, उनको उनके मोल्टन क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अब हम देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर मैं ओर को ओर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, होगा क्या कि जो मेटल्स होंगे वो जनरली पॉजिटिव होते हैं और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का प्रोसेस होगा जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, वो होगा यहाँ पे, जिसके द्वारा हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर। तो देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा है, द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टी चार्ज टर्मिनल्स पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल क्या है, खुद क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मेटल खुद क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, जो हमने क्लोरीन उसके साथ में मिक्स की होगी वो जो है वो पॉजिटिव की ओर भागेगी, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की ओर भागेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है एनोड एंड कैथोड पे। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा, Na प्लस जो है Na बनाएगा, और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी जनरली इसकी जो है प्लस थ्री वैलेंसी होती है यहाँ पे, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इस मेन ओर बॉक्साइड। तो आपको बॉक्साइड ओर के बारे में पता होना चाहिए, हर एक मेटल की ओर आपसे पूछी जा सकती है। तो एल्यूमिनियम की ओर कौन सी होती है, बॉक्साइड, Al2O3.H2O, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यानी कि एल्यूमिनियम की ओर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑक्साइड फॉर्म है इसकी। इसमें क्या होता है कि 30-70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, बाकी जो वाटर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस ही किया जाएगा, जैसे हमने पीछे हमने देखा था। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गैंग मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। तो मतलब जो भी हमें प्योर मेटल मिलेगा वो 30-70% मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। यहाँ पे देखिए बॉक्साइड की जब माइनिंग कहते हैं तो पहले अनमाइंड जो लैंड होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ग्रीन कलर की ग्रीनरी होगी, है ना। पहले इसकी टॉप सॉइल निकाली जाएगी, मतलब इन सभी को रिमूव किया जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे टॉप सॉइल को रिमूव किया जा रहा है, उसके बाद फिर एक्टिव माइनिंग पिट्स उसको खोदा जाएगा, जमीन के अंदर माइनिंग की जाएगी, ठीक है, और माइनिंग करके ओर को निकाला जाएगा, एंड देन उसके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगी, एंड देन हमें जो प्योर एल्यूमिनियम है वो मिलेगा। ठीक है, तो माइनिंग के बाद कुछ इस तरह से ज़मीन बच जाती है। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन्वॉल्व टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसनट्रेशन क्या है, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइड ओर इन टू एल्यूमिनिया, यानी कि बॉक्साइड को पहले एल्यूमिनिया में कन्वर्ट करना है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, क्रूड बॉक्साइड जो होता है इसमें इम्प्यूरिटी होती है आयरन ऑक्साइड, सिलिका, तो दीज इम्प्यूरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय बेयर्स प्रोसेस। पहले इम्प्यूरिटी को रिमूव किया जाता है, दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ ओर, है ना। इन दिस प्रोसेस ओर इज फर्स्ट क्रश्ड, पहले ओर को हम बड़े बड़े क्रशर्स में डाल के उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसको हॉट कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। हाई प्रेशर दिया जाता है 2-8 hours के लिए, 140 degrees Celsius टेम्परेचर के रखा जाता है एक टैंक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर, वो जो टैंक है जिसके अंदर इसको रखा जाता है और ये टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, उसे बोला जाता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर के अंदर क्रश्ड ओर को डाला जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बींग एम्फोडायरिक इन नेचर डिजॉल्व्स इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है जी, मतलब क्या है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोडायरिक ओर होती है। ठीक है, एम्फोडायरिक का मतलब है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जनरली
जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो NaOH क्या है, बेस, ये खुद क्या हो जाती है, एसिडिक, तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करेगी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो एक सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन हो रही है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, ये जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम एल्यूमिनो, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है जी। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसको हम सेकंड प्रोसेस के द्वारा रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम मिल सके, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब देखें यहाँ पे, द आयरन ऑक्साइड इज अ गैंग डज नॉट डिजॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड है वो ऐसी इम्प्यूरिटी है जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब रिमूव नहीं हो सकती, तो सिंपली इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। हाउएवर सिलिका जो है वो डिजॉल्व हो जाती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में और ये फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट बना लेती है और इसको फर्दर हम रिमूव करेंगे, डाइल्यूटिंग सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट विद वाटर एंड देन कूलिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस, उसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल डाउन किया जाता है, इट इज हाइड्रोलाइज टू गिव एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और वो ठंडी होके, ठीक है, और उसमें से जब हम उसको हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे देन वो देगी हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट, तो उसका एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में वाटर के साथ रिएक्शन कराई जा रही है यानी कि हाइड्रेशन की जा रही है इसकी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH प्लस हमारे साथ एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये जो सिंबल होता है ये होता है प्रेसिपिटेट का, ठीक है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट किया जाएगा, वॉश आउट किया जाएगा, सुखाया जाएगा, ड्राइड किया जाएगा और उसके बाद इसको टेम्परेचर यानी कि हीट दी जाएगी 1000 डिग्री सेल्सियस तक ताकि वो हमें एल्युमिना दे सके। एल्युमिना क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है जी। अब इस ये जो हमारे पास AlOH होल थ्राइस था इसको हीट किया गया, अब हमारे पास देखिए Al2O3 यानी कि एल्युमिना फॉर्म हो गया यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जहाँ से बॉक्साइड से पहले क्रशिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो सारा एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए जिनको पीछे नहीं समझ आया वो अभी यहाँ पे समझ लीजिए, बॉक्साइड ओर को पहले क्रश किया जाता है, देन उस पे डाइजेस्टर के अंदर उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है और NaOH ऐड करते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद उसमें से उसको फिल्टर आउट करते हैं, रेड मड यानी कि जो आयरन सल्फेट है वो रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। अब जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसको कूल डाउन करके उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, देन उसको हीट अप करके रोटरी किंक में डाला जाता है एंड देन हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 प्राप्त होता है हमें। सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब जो एल्युमिना हमारे पास बना है यानी कि Al2 जो O3 है, Al2O3, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की जाती है ताकि हमारे पास प्योर एल्युमिनियम मिल सके। अभी तक जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया वो सिर्फ Al2O3 यानी कि एल्युमिना तक ही था, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जनरली इस प्रोसेस में एक स्टील टैंक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक स्टील टैंक, स्टील टैंक के अंदर कुछ कार्बन की रॉड्स डाली जाती हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन की रॉड्स होंगी, ठीक है, ये एक कैथोड रॉड्स होती हैं, जनरली इनको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है और इनको डिप कर देते हैं उस सोल्यूशन के अंदर, जो एल्युमिना का सोल्यूशन है उसके अंदर डिप कर देते हैं इसको, और होता क्या है उसके बाद उसमें कुछ क्रायोलाइट एंड CaF कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है जी, इनको ऐड किया जाता है जो कि रिड्यूस करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को और इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट जो है वो देते हैं। ऑन पासिंग द करंट, अब जैसे ही उसमें एल्युमिनियम में जो है वो करंट पास होगा, एल्युमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, एल्युमिनियम जो है वो कैथोड पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, द मोल्टन एल्युमिनियम बीइंग हैवियर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक यूज्ड सिंक टू द बॉटम ऑफ द टैंक फॉर्म वेयर इट रिमूव्ड पीरियोडिकली, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, मतलब क्या होगा, देखिए ये दो रिएक्शन आपको मेन याद रखने, देखिए एनोड पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारे पास लिबरेट हो रही है और कैथोड पे हमारे पास प्योर एल्युमिनियम जो है वो मिलता जा रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम मिलना ही हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे, तो ये सारे का सारा जो एल्युमिनियम है वो कहाँ पे मिल जाएगा हमें, कैथोड पे मिल जाएगा, ठीक है। द ऑक्सीजन इज लिबरेटेड रिएक्ट विद कार्बन एनोड, जो उसमें कार्बन की रॉड डाली हुई थी एनोड, ठीक है, एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कौन सी गैस बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। एज द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ एल्युमिनिया इट डज नॉट बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसको बार बार रिमूव करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है, जो एनोड होता है ना उसको बार बार रिप्लेस करते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि वो रिड्यूस होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, देखिए पीछे जो प्रोसेस था हमारे पास मेन मोटिव था कैथोड पे एल्युमिनियम मिल गया, वो हमारा मेन मेटल है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, बाकी जो प्रोसेसेस हैं उसके साथ में अंडरलाइन चल रहे हैं। आपको मेन चीज़ें याद रखनी, जैसे कि यहाँ पे जो एनोड था उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो उसको रिमूव करते हैं ना जब तक हमारे पास पूरा का पूरा एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाले जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये जनरली सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब ये मेटल्स ऐसे हैं जिन जो मेटल प्योर नहीं होते, उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज़ होंगी। इंप्योरिटीज़ कैसे होंगी, सल्फाइड इंप्योरिटीज़ हो सकती है, कार्बोनेट इंप्योरिटीज़ हो सकती है, दो तरह की इंप्योरिटीज़ इनके साथ में होती हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं रोस्टिंग और दूसरे को बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे रोस्टिंग की डेफिनेशन लिखी होगी, ये देखिए, द सल्फाइड ओर्स इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर, मतलब काफ़ी ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में उनको हीट किया जाता है, किनको, सल्फाइड ओर्स को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रोस्टिंग। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का, सिंपल भाषा में बताऊं, रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। रोस्टिंग में हम ओर को हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में या एयर में, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। कार्बोनेट्स ओर को हम हीट करते हैं बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर दी जाती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है। और किन के लिए करते हैं हम कैल्सिनेशन, किन के लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेसेस आपके पास दे रखे हैं, देखिए रोस्टिंग का भी और कैल्सिनेशन का भी, आपको दोनों की ये जो डेफिनेशंस और ये जो रिएक्शन है आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जिंक का सल्फेट था, तो जिंक सल्फेट हो गया, तो मतलब ये कौन से प्रोसेस से होगा, रोस्टिंग से होगा। अगर जिंक कार्बाइड होता, ठीक है, जिंक कार्बोनेट होता हमारे पास, तो वो कैल्सिनेशन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम होता है इनका कि इनको इनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिंक सल्फेट को जिंक ऑक्साइड बनाया गया, यहाँ से जिंक कार्बोनेट को भी जिंक ऑक्साइड बनाया गया, ठीक है। तो पहले उनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसमें हम कोक डाल के, यानी कि कार्बन की हेल्प से, कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से उनको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे रिएक्शन दे रखे होंगे कि जिंक ऑक्साइड को जब भी मैं कार्बन से, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करूंगा, तो हमारे पास प्योर जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब लो रिएक्टिविटी वाले, यानी कि जो बहुत कम रिएक्ट होते हैं, जैसे कॉपर हो गया है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनकी एक्सट्रैक्शन किस तरह से की जाती है। तो मेटल्स एट अ बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, ये जनरली फ्री स्टेट में मिल जाते हैं हमें, ठीक है। बट कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट, मतलब इनके भी कुछ ना कुछ ऑक्साइड्स या कुछ लगा होगा इनके साथ में, इम्प्योरिटीज, जिनको रिमूव करना जरूरी है। तो कॉपर विच इज़ फाउंड इन CuS, यानी कि कॉपर सल्फेट की फॉर्म में होता है जनरली, तो इसको हीट करके, सिंपली हीट करके हम इनकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपको याद रखना है वही कि कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सॉरी कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे हम सिंपली, तो ये रिड्यूस हो जाएगा सिंपल प्योर मेटल में हमारे पास, ठीक है। तो ये है आपका सारा का सारा प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मरकरी के बारे में बता रखा है, सिनेबार, यानी कि ये जो मरकरी की ओर होती है उसको बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट होता है पहले ऑक्साइड फॉर्म में, एंड देन उसको फिर से फर्दर हीट किया जाता है और वो हमें मिल जाता है प्योर मरकरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी जो मेटल होता है वो एक्चुअली में प्योर फॉर्म में नहीं होता है, तो
उसको फिर फर्दर रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल किया जाता है वहाँ पे। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, सो मतलब बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं जिनको फर्दर रिमूव किया जाना जरूरी है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो उनकी फिर से दोबारा फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है और उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको फिर से भैया इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा उसका, ठीक है, उसको मोल्टन स्टेट में पिघला के, और जो मेटल होगा वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल की ओर भागेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये है हमारे पास टोटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेसेस। अब चलिए अब हम देखेंगे क्रोजन ऑफ मेटल के बारे में। क्रोजन ऑफ मेटल का मतलब होता है बेसिकली डी ग्रेडेशन ऑफ मटीरियल्स ड्यू टू द रिएक्शन विद इट्स एनवायरमेंट। होता क्या है कि जनरली मेटल्स को जब रेनी सीजन्स में आप देखते हो कि अगर ब्रिजेस हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि जंग लगना शुरू हो जाता है, कोई भी मेटल हो, चाहे वो एल्युमिनियम का है, चाहे वो कॉपर का है, चाहे कोई भी आप ले लो, कॉपर जनरली कम होता है, बट आप देखते हो आयरन सबसे ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो जाता है उसके कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, मॉइस्चर के कारण, वाटर के कारण, है ना। तो इसे बोलते हैं हम क्रोजन, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, ठीक है, उसे बोला जाता है क्रोजन। अब ये क्रोजन जो है इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जनरली शिप्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, और भी कई सारे कंस्ट्रक्शन हो गए जिनमें मेटल का यूज होता है, अगर वो खराब हो जाएंगे तो जनरली वो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो लूज करना शुरू कर देंगे, एंड धीरे 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 वो चीज़ टूट जाएगी जो मेटल की बनी हुई है ना। तो इसीलिए इससे बचना, यानी कि इससे बचा के रखना मेटल को बहुत जरूरी है। तो हम जनरली क्या करते हैं, अपने घरों में पेंट कर देते हैं, जितनी भी मेटल सर्फेसिस होती हैं, ठीक है, उनको पेंट कर देते हैं, है ना। और भी ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, तो किस तरह से बचा जा सकता है, तो क्रोजन इज प्रिवेंटेड इफ द मेटल इज कोटेड विद समथिंग विच डज नॉट अलाउ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद इट। अब होता क्या कि क्रोजन तब होता है जब मेटल जो है जर्नली कन्वर्ट हो जाता है अपने मेटल ऑक्साइड में, है ना। तो अगर हम कोई ऐसी कोटिंग कर दें मेटल के ऊपर, ऑयल की, ग्रीस की या पेंट की, जिसके द्वारा वो जो मेटल है वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ ही ना सके, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिल ही ना सके, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेटल जो है वो खराब यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही सारे प्रिवेंशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला जो प्रिवेंशन है, देखिए यहाँ पे पेंट करके, ऑयल करके, ग्रीसिंग करके, वार्निश करके हम मेटल को बचा सकते हैं, है ना। दूसरा है अगर हम उस पर नॉन क्रोसिव मेटल की लाइनिंग चढ़ा दें। अब होता क्या है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो पहनते हो, है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे जो है वो आयरन होता है और ऊपर सिल्वर या गोल्ड की हल्की सी पतली सी एक लेयर चढ़ी होती है, तो वो किस तरह से की जाती है, वो होती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रोजन। जनरली क्या होता है कि जब भी हम आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन पे या फिर स्टील पे, ताकि उनको जंग ना लग सके, ठीक है। नेक्स्ट टाइनिंग, टिनिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग कोटिंग ऑफ टिन। टिनिंग इसलिए नाम लगा क्योंकि टिन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो टिन की कोटिंग करते हैं हम कई सारे अदर मेटल्स पे, जैसे कि जितने भी हमारे जो घरों में हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उनकी कोटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉपर और ब्रास के स्पेशली जो बने होंगे कुकिंग यूटेंसिल्स, उनको हम टिनिंग के द्वारा यानी कि टिन की कोटिंग की जाती है उनके पे, ताकि वो क्रोजन से बच सकें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी, ये भी एक गैल्वेनाइजेशन का ही प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या किया जाता है कि हमारे पास एक मेटल होता है उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो जनरली हम ये तब करते हैं जब गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग करनी हो किसी और मेटल्स पे, जनरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम आर इलेक्ट्रिकली कोटेड विद अ थिन स्ट्रॉन्ग फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, मतलब उनके ऑक्साइड्स की लेयर उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि वो फर्दर ऑक्साइड ना बना पाए, मतलब एक लेयर ऑक्साइड की आ गई तो उसके ऊपर और लेयर नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। इस तरह से की जाती है जनरली, ये देखिए चांदी के चम्मच पे चांदी की ऑक्साइड की लेयर एक और चढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि हमारे पास और फर्दर क्रोजन ना हो पाए, एक लेयर चढ़ा देंगे उसके ऊपर। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एलॉयज। तो एलॉय
आपको पता होना चाहिए, जनरली आप देखते हो कि गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो अलॉय के बने होते हैं, है ना, जो रिम होते हैं टायर के अंदर जो रिम होता है वो अलॉयज का बना होता है। अलॉय बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है मेटल एंड नॉन मेटल का, किसी भी मेटल विद अ मेटल हो सकता है, मेटल विद अ नॉन मेटल भी हो सकता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, किसी का भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ जनरली देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं आपके पास स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब जो है ये अलॉयज ही हैं। किन किन के हैं? ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, मतलब इन दोनों को मिला के बना है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड टिन का अलॉय है। और स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन, ये चार चीज़ें होती हैं स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। अब चार चार मेटल्स को ऐड करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि देखिए कोई मेटल जल्दी करोड़ हो जाएगा, कोई लेट करोड़ होगा, ठीक है। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी हर एक की, कोई हार्ड होगा, कोई मतलब सभी मेटल्स को मिला के एक ऐसा अलॉय तैयार किया जाता है ताकि वो करोड़ ना हो सके, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, ये सब चीज़ों के लिए हम अलॉयज को फॉर्म करते हैं। आपको कुछ अलॉयज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जैसे अमलगम पे क्वेश्चन आता है, डिफाइन अमलगम या व्हाट इज अमलगम, तो अमलगम एक मर्करी का अलॉय है, ठीक है ना, ठीक है। प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, अब प्योर गोल्ड को क्या बोलते हैं हम? 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, और ये जनरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप कोई सोने की अंगूठी पहनते हो यानी कि रिंग पहनते हो तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी कि आपके थोड़ा सा वेट अगर उस पर डल जाए तो वो मुड़ जाएगी, है ना। तो इसके साथ थोड़ा सा कॉपर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें कॉपर ऐड करके उसको भी गोल्ड का अलॉय बनाया जाता है ताकि बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। तो एलॉयज का काम आपको पता लग गया होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, क्रोजन नहीं होगी और लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम लोग एलॉयज फॉर्म करते हैं। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ लगी होगी, हर एक चीज़ की मैंने जितनी आपको बताना था प्रॉपर उतना ही बताया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अलग से आपको वीडियो उसकी दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।